हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि नॉन CGHS एरियाज़ में रहते हैं, यानी जो CGHS एरियाज़ के कवर्ड एरियाज़ नहीं होते हैं, उन वहाँ पर जो है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये मिलते हैं। वो 1000 रुपये उनको OPD मेडिसिन और जो अन्य खर्चे होते हैं उन सब के लिए बहुत कम पड़ते हैं। तो ऐसे में यूनियंस और फेडरेशंस ने, कर्मचारियों की यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार के सामने एक मुद्दा उठाया था, एक रिक्वेस्ट की थी कि वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या चिकित्सा भत्ता जो है वो 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये तक कर दें। उसके अलावा उसमें जब 1000 से 3000 कर देंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक स्कूबा की मीटिंग हुई थी पिछले काफ़ी दिनों, तो उसमें यह बोला गया था कि मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मैटर अंडर कंसिडरेशन है। उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट निकल कर जरूर आएगी, और अगर सूत्रों की माने तो मीडिया में अभी खबरें आ रही हैं तो सरकार आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी कि 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये तक कर सकती है। और ऐसा अगर वाकई में होता है तो पेंशनर्स की बेसिक पेंशनर्स की पेंशन है उसमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि अभी चिकित्सक जो भत्ता है यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में आपको मिलने चाहिए जिससे आपके OPD मेडिसिन और बाकी जो खर्चे हैं उसमें वो पूरे हो सकें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।